दोस्तों, अगर आपको किसी दीवार, कंक्रीट या फिर किसी पत्थर पर होल करना हो तो आपको चाहिए एक ड्रिलिंग मशीन जो कि एक मिनट से भी कम वक्त में होल कर देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस ड्रिलिंग मशीन को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता होगा? अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ड्रिलिंग मशीन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ड्रिलिंग मशीन को बनाने के लिए सबसे पहले मशीन के आगे के हिस्से को बनाया जाता है जिसे गियर बॉक्स कहा जाता है। तो पिघले हुए एल्यूमिनियम को मोल्ड में डालकर गियर बॉक्स की बॉडी तैयार की जाती है। अब अगली प्रोसेस में एल्यूमिनियम हाउसिंग के अंदर गियर को फिट किया जाता है। यही गियर मोटर की स्पीड को टॉर्क में कन्वर्ट करते हैं जिससे हार्ड से हार्ड मटेरियल में ड्रिलिंग मशीन बिना रुके होल कर सकती है। अब एक ऑटोमेटेड प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन मोटर के लिए प्लास्टिक की हाउसिंग तैयार करती है। उसके बाद प्लास्टिक बॉडी के अंदर स्टेटर और रोटर को फिट किया जाता है। स्टेटर में करंट देने पर वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है जिसकी वजह से रोटर घूमने लगता है। अब सभी कंपोनेंट को असेंबली यूनिट में असेंबल किया जाता है जिसमें स्पीड कंट्रोलर स्विच को हैंडल बार पर इंस्टॉल किया जाता है। उसके बाद गियर बॉक्स को मोटर की शाफ्ट के साथ में कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद ये ड्रिलिंग मशीन तो तैयार है लेकिन ये अभी ड्रिल नहीं कर सकती है क्योंकि इसमें ड्रिलिंग बिट नहीं है। तो हम इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख लेते हैं। तो दोस्तों, ड्रिलिंग बिट को बनाने के लिए स्टील की रॉड को बिट के साइज में काटा जाता है। उसके बाद इन स्टील के टुकड़ों को भट्टी में गर्म किया जाता है जिससे स्टील और मजबूत हो जाता है। अब इन बीट को फ्लूडर मशीन में भेजा जाता है जहां वो मशीन स्टील रोड पर कटिंग एजेस बना देती है। इन्हीं कटिंग एजेस की वजह से आसानी से कहीं भी होल किया जा सकता है। उसके बाद अगली प्रोसेस में ड्रिलिंग बीट के ऊपरी हिस्से पर कटिंग करके एक हिस्से को फ्लैट किया जाता है जिससे बीट आसानी से ड्रिलिंग मशीन के चक पर फिट हो सके। उसके बाद इन ड्रिलिंग बिट को पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब ये ड्रिलिंग बिट भी तैयार है। अब आप किसी भी दीवार में आसानी से होल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।